हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट बाज। फरवरी का महीना चल रहा है, एक ऐसा महीना जहां प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। तो इससे क्रिकेट अछूता कैसे रहे। अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के एस ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने एक भारतीय लड़की विनी रमन से एंगेजमेंट की और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भारतीय ही मूल की एक लड़की शामिया आरजू से निकाह कर लिया। तो ये अच्छा मौका है कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने भारतीय लड़कियों के साथ शादी की। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भारतीय ही मूल की एक लड़की शामिया आरजू से निकाह कर लिया। तो शामिया आरजू है कौन? उनका ताल्लुक हरियाणा से है। उन्होंने गुरुग्राम में मानव रचना यूनिवर्सिटी से बीटेक किया, उसके बाद दुबई चली गई। वहां वो एक एयरलाइंस के साथ जुड़ी थी। वहीं उनकी मुलाकात हसन अली से हुई और फिर निकाह हो गया। अब जब बात चली रही है तो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की भी बात कर लेते हैं। ये बात उस समय की है जब सानिया मिर्जा थोड़ी अपसेट रहा करती थी। अभी उनकी एंगेजमेंट टूटी थी और वो काफी डिप्रेस थी। सानिया मिर्जा उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। होबार्ट में उनकी मुलाकात पाकिस्तान के खिलाड़ी शोएब मलिक से हुई। दोनों एक दूसरे से लगातार मिलते रहे और फिर 5 महीने की कोर्टशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब उनके एक बेटा भी है। और जब पाकिस्तान की बात हो रही है तो अब बात करते हैं एक ऐसे बल्लेबाज की जिसको दुनिया एशियन ब्रैडमैन के नाम से जानती है। नाम है जहीर अब्बास। जहीर अब्बास 1980 के दशक में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते थे, जहां उनकी मुलाकात एक कानपुर की लड़की रीटा लूथरा से हुई। रीटा लूथरा उन दिनों लंदन में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ती थी और जहीर अब्बास काउंटी क्रिकेट में खेलते थे। दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे तो मुलाकात होने लगी। कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। जहीर अब्बास पाकिस्तान के थे, रीटा इंडिया के कानपुर के स्वरूप नगर में रहती थी। लेकिन इन दोनों ने अपने बीच में सरहद को दरकिनार करते हुए एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला लिया। 80 के दशक के अंत में दोनों ने शादी कर ली। रीटा ने अपना नाम बदल लिया, अब उनको हम शमीना अब्बास के नाम से जानते हैं। अब बात एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी की जिसने भारत की एक मशहूर एक्ट्रेस के साथ शादी की। 1980 का दशक था, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रीना रॉय चरम पे थी। उन्होंने एक से एक फिल्मों में काम किया जिसमें नागिन और नसीब जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहसिन खान से हुई। दोनों में कोर्टशिप हुई और फिर कुछ दिन के बाद 1983 में दोनों ने शादी कर लिया। अब बात एक ऐसे श्रीलंकन खिलाड़ी की जो शादी करना ही नहीं चाहते थे। नाम है उथैया मुरलीधरन। 2000 के पहले दशक में मुरलीधरन अपने करियर के चरम पे थे, वो शादी कतई नहीं करना चाहते थे। मुरलीधरन की मां की मुलाकात इंडिया के एक एस एक्टर चंद्रशेखर से हुई। उन्होंने कहा वो चाहती हैं कि मुरलीधरन सेटल डाउन कर जाए। इसके बाद चंद्रशेखर ने कहा मेरी नजर में एक लड़की है, आप मुरलीधरन की उनसे मुलाकात करा दीजिए। बहुत मनाने के बाद मुरलीधरन उनसे मिलने गए और जब गए तो ऐसी मुलाकात किए तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। उनका नाम है मदी मलार। मदी मलार एक बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट रही है चेन्नई में। और अब कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम जो थोड़े पुराने हैं लेकिन उन्होंने भी भारतीय लड़कियों से शादी किया। इंग्लैंड के सबसे शानदार कप्तानों में माइक ब्रेडली का नाम शुमार है। 1976-77 में ब्रेडली भारत का दौरा कर रहे थे। वहीं माइक ब्रेडली की मुलाकात एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम साराभाई की बेटी माना साराभाई से हुई और मुलाकात ऐसी हुई कि माइक ब्रेडली ने मन बना लिया कि मैं शादी इन्हीं से करूंगा। अब माइक ब्रेडली क्रिसमस इंग्लैंड में नहीं अहमदाबाद में मनाते हैं और ज्यादा वक्त वो अहमदाबाद में ही बिताते हैं। और अब एक ऐसे खिलाड़ी की बात जिसे न्यूजीलैंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। नाम है ग्लेन टर्नर। यहां उनकी मुलाकात एक पंजाबी लड़की सुखविंदर कौर से हुई।
सुपिंदर की पढ़ाई अमेरिका में भी थी, लेकिन जब ग्लेन टर्नर से मुलाकात हुई तो ग्लेन टर्नर ने तो मन बना लिया कि मैं इन्हीं से शादी करूंगा। 1970s के दशक में सुखविंदर न्यूजीलैंड में जाके बस गई। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 1990s में सुखविंदर डनीडन की मेयर भी बनी। और आखिर में बात ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर शॉन टेट की। शॉन टेट 2010 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में खेलते थे। उन दिनों आईपीएल की आफ्टर पार्टीज में शॉन टेट की मुलाकात भारत की एक मशहूर मॉडल माशूम सिन्हा से हुई। बस क्या था, दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और साल 2014 में शॉन टेट और माशूम सिन्हा ने शादी भी कर ली। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बड़ा नाम छोड़ दिया है तो कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें, हमें आपके कॉमेंट्स का इंतजार है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Have a nice day.